रूसी वैक्सीन स्पुतनिक अगले महीने से भारत में मिलने लगेगी। ये वैक्सीन अपोलो अस्पताल के जरिए भारत में उपलब्ध होगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक कोरोना की तीसरी ऐसी वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी मिली है। रूस में बनी इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में हिमाचल प्रदेश के बद्दी के प्लांट में शुरू हो चुका है। अब जून के दूसरे हफ्ते से भारत में स्पुतनिक वैक्सीन मिलने लगेगी। अपोलो अस्पताल के जरिए स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध होगी। अपोलो अस्पताल की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन शोभना कामिनेनी ने इसकी जानकारी दी है। भारत में फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लोगों को लगाई जा रही है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की उपलब्धता से भारत में वैक्सीन की किल्लत काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। दिल्ली में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में करीब हफ्ते भर के भीतर ही ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या 3 गुना हो गई है। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए आज औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिल्ली में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में करीब हफ्ते भर के भीतर ब्लैक फंगस के मामले 3 गुना बढ़ रहे हैं। 21 मई को दिल्ली में करीब 200 म्यूकरमाइकोसिस के मामले थे, जबकि बुधवार 27 मई को इनकी संख्या 620 हो चुकी है। ब्लैक फंगस से उन लोगों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है जो कोरोना से जूझ रहे हैं या उबल चुके हैं, या फिर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है। भारत में कोरोना के कारण गंभीर हालात पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट छापी उससे भारत की राजनीति में हंगामा हो गया। कांग्रेस के राहुल गांधी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच ट्विटर वॉर देखने को मिला। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों और मृतकों की संख्या सरकार के आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना से करीब 70 लाख लोग संक्रमित हुए और 42 लाख लोगों की मौत हुई है। लेकिन अमेरिकी अखबार के इस आंकड़े के आधार पर ट्विटर के जरिए राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोल दिया है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, भारत सरकार बोलती है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार किया और लिखा, लाशों पर राजनीति, कांग्रेस स्टाइल। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी जी को दिल्ली से ज्यादा न्यूयॉर्क पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी इस रिपोर्ट को झूठी और आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि एक प्रतिष्ठित अखबार को ऐसी झूठी रिपोर्ट नहीं छापनी चाहिए। व्हाइट फंगस की चपेट में आने वाले कोरोना संक्रमितों के मरीज में नई नई समस्या सामने आ रही है। व्हाइट फंगस अब शरीर के भीतर के अंगों को डैमेज करने लगा है। दिल्ली में एक मरीज के व्हाइट फंगस की वजह से फूड पाइप में छेद का केस सामने आया है। खून की जांच और बायोप्सी से पता चला कि महिला की आंत में व्हाइट फंगस था। डॉक्टरों के मुताबिक 4 घंटे तक चली मुश्किल सर्जरी के बाद फूड पाइप, छोटी आंत और बड़ी आंत में हुए छेद को बंद किया गया। सर्जरी के बाद मरीज ठीक है और कुछ दिनों के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। लेकिन फंगस से आमतौर पर अब तक आंख और नाक को डैमेज करने के केस सामने आए थे, लेकिन सर गंगाराम अस्पताल का दावा है कि फंगस से फूड पाइप में छेद का ये दुनिया का पहला केस है। हालांकि कुछ दिन पहले ही महिला का ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन भी हुआ था। ब्लैक फंगस का काला सयार राजधानी लखनऊ पर भी मंडराने लगा है। ऊपर से दिक्कत ये है कि इस मर्ज की आवश्यक दवाओं की यहाँ भारी किल्लत हो रही है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के मरीज रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी दावे के उलट हकीकत ये है कि कल बुधवार को इस बीमारी के इलाज की इन्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की एक भी शीशी यूपी को नहीं मिली। नतीजा, मरीजों के तीमारदार डॉक्टर की पर्ची लेकर भटकते रहे। लखनऊ के केजीएमयू में इस वक्त 170 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज हैं। कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीज तो फिर भी उम्मीद के सहारे जिंदा हैं कि उनको इंजेक्शन मिल जाएगा,
लेकिन निजी अस्पतालों में इस मर्ज का इलाज कराने वाले भगवान के भरोसे हैं। कारण है कि निजी अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन को लेने की सरकारी औपचारिकताएं बहुत लंबी हैं। देश में कोरोना के कहर के बीच एक नई मुसीबत है ब्लैक फंगस। जैसे कोरोना के इलाज में इंजेक्शन और दवाइयों की किल्लत महसूस की जा रही है, उसी तरह ब्लैक फंगस के इलाज में भी इंजेक्शन की कमी महसूस की जा रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसका तरीका ढूंढ निकाला है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब ब्लैक फंगस की दवाई विदेशों से मंगाई जा सकती है और सबसे बड़ी बात कि फिलहाल उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने की सलाह दी गई, जिसके बाद केंद्र सरकार के वकील ने कहा इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन की भारी किल्लत है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में बताया है कि दिल्ली में 613 मरीज ब्लैक फंगस के शिकार हैं और उनके लिए 6000 इंजेक्शन की जरूरत है। कोरोना से लड़ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर। देश में पहली बार किया गया कॉकटेल दवा का इस्तेमाल। दो दिन पहले गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 84 साल के बुजुर्ग मरीज मोहब्बत सिंह को कॉकटेल दवा दी गई है। कॉकटेल दवा का मतलब है दो दवाओं को मिलाकर बनाई गई दवा। इसे डॉक्टरों की भाषा में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी कहा जाता है। इस इलाज के लिए कैसरिविमैब और इमडेविमैब नाम की दवा को मिलाकर के कॉकटेल तैयार किया गया है। दावा है कि कॉकटेल दवा के इस्तेमाल से बीमारी की गंभीरता और मरीजों की मौत में 70% तक की कमी आती है। अमेरिका और यूरोप में इस तरह की थेरेपी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना होने पर दवाओं का यही कॉकटेल दिया गया था। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम ने प्रदेश में कोरोना के हालात पर राज्यपाल को जानकारी दी, साथ ही सीएम की तरफ से राज्यपाल को एक किताब भी भेंट की गई। आज शाम को राजभवन जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि योगी ने कोरोना को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी राज्यपाल को दी। योगी कई दिनों से राज्य के दौरे पर थे। सीएम ने राज्यपाल को श्री विष्णु और उनके अवतार नामक पुस्तक भेंट की। बीते कुछ दिनों से यूपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल की खूब चर्चा है। कहा जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में कुछ को शामिल किया जा सकता है तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। कल आई एक खबर के साथ देश में टीकाकरण को लेकर गंभीर सवाल खड़ा हो गया। सवाल इस बात को लेकर था कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना टीकों के दो डोज की शक्ल में दो अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन लगाए गए हैं तो इसका क्या असर होगा। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब दिया। हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है उसकी ही सेकेंड डोज देनी है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। हालांकि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने ये बात भी कही कि वैक्सीन लगाने में प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए और अगर कहीं गलती हुई है तो जांच भी होनी चाहिए। यह खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आई थी, जहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 20 लोगों को पहले डोज के तौर पर कोविशील्ड और दूसरे डोज के तौर पर कोवैक्सीन लगा दी गई। स्वाभाविक तौर से खबर के सामने आने के बाद उन लोगों में चिंता और बेचैनी थी। एलोपैथ और उसके डॉक्टरों के खिलाफ बयानबाजी के बाद योग गुरु रामदेव की एक और मुसीबत। आईएमए और रामदेव के बीच छिड़ी जंग में एक नया मोड़ आ गया है। आईएमए के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने पहले ही चेतावनी दी थी। आज उन्होंने रामदेव के खिलाफ दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। कल आईएमए ने पीएम को चिट्ठी लिखकर योग गुरु के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की थी। आईएमए की सख्ती के चलते योग गुरु बाबा रामदेव की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। कल आईएमए की उत्तराखंड शाखा ने बाबा रामदेव को एक नोटिस भी भेजा था, जिसमें साफ चेतावनी दी गई थी कि माफी न मांगने या सोशल मीडिया से बयान न हटाने पर बाबा रामदेव के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। प्रयागराज में एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। अब गंगा किनारे नहीं दफनाए जा सकेंगे शव। विद्युत शवदाह गृह बनाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है।
प्रयागराज में गंगा किनारे शवों को दफनाने का मामला लगातार गर्म है। एबीपी न्यूज रोज आपको इस खबर से जुड़ा अपडेट दे रहा है। आज इस खबर में ताजा अपडेट ये है कि प्रशासन ने गंगा किनारे विद्युत शवदाह गृह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्व विभाग ने इसके लिए बाकायदा जगह की पहचान भी कर ली है। इलाके के लेखपाल ने प्रस्ताव तैयार करके SDM को भेज दिया है। इसके बाद फाइल DM से होते हुए राज्य सरकार को जाएगी। प्रयागराज में सालों से घाट पर शवों को दफनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कोरोना काल में हुई बेहिसाब मौतें और घाट किनारे दफन की गई शवों की वजह से विवाद चल रहा है। पर्यावरण के लिहाज से भी शवों को घाटों के किनारे दफनाना सही नहीं माना जाता। NGT ने भी इसको लेकर पहले ही आदेश जारी किया है। अब विद्युत शवदाह गृह बनने से जो शवों का अंतिम संस्कार है उसके खर्चे भी कम आएंगे और विवाद भी नहीं होगा। दिल्ली में कोरोना के केस में आई कमी तो दूसरे राज्यों से वापस आने लगे मजदूर। आनंद विहार स्टेशन पर दिखाई दी बाहर से दिल्ली में आने वालों की भीड़। ये तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के बाहर की हैं। ट्रेन से उतरकर बड़ी संख्या में मजदूर दिल्ली पहुंच रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि कोरोना के केस बढ़ने की वजह से वो अपने गांव चले गए थे, लेकिन अब कोरोना के केस कम होने की जानकारी मिल रही है तो वो काम के लिए वापस लौटे हैं। स्टेशन के बाहर हमें ऐसे लोग भी दिखे जो पत्नी और बच्चों के साथ वापस लौटे हैं। किस लिए चले गए थे दिल्ली से? सर कोरोना की वजह से चले गए थे। अच्छा, और वापस किस लिए आ रहे हैं? सर कोरोना कम होने लगा इसलिए हम लोग कमाने चक्कर में आ गए, तो कुछ कोरोना बढ़ रहा था इसीलिए वजह से चले गए अपने घर पे। फिर कोरोना कम ऐसी हुआ तो फिर अपना मजदूरी के लिए यहाँ आ रहे। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 1500 से कम केस आए और संक्रमण दर 2% से नीचे पहुंच गई है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, काम धंधा बंद है और लोग घरों में कैद हैं। स्थिति सुधरने से जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी। दिल्ली में व्यापारियों ने भी 1 जून से दुकानें खोलने की मांग की है। तूफान प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। कल वे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह तूफान प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। PM सबसे पहले भुवनेश्वर जाएंगे और वहां तूफान की स्थिति की समीक्षा करेंगे। ओडिशा पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों में यास तूफान ने नुकसान पहुंचाया है, प्रधानमंत्री वहां का हवाई सर्वे भी करेंगे। PM ओडिशा के भद्रक और बालासोर के साथ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का हवाई दौरा करेंगे। दौरे के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ लोगों से ज्यादा यास तूफान की वजह से प्रभावित होने की आशंका है। वहीं ओडिशा में 20 लाख से ज्यादा लोग यास तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में यास तूफान का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, खासकर मिदनापुर जिले में। मिदनापुर जिले के दीघा में अभी भी समुद्र के पानी में उफान दिख रहा है जो किनारे खड़े लोगों को डराने वाला है। पूर्वी मिदनापुर के दीघा इलाके में तूफान के बाद की तबाही साफ दिख रही है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, घरों की छतें तेज हवा में उड़ गई या तो उलट गई। तटीय इलाके में कई दुकानें तबाह हो गई जिससे स्थानीय लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दीघा में यास तूफान के चलते कल समंदर में करीब 30 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी और दीघा में समुद्र के पानी कई रिहायशी इलाकों में भी घुस गया था। उड़ीसा में तूफान गुजरने के बाद तबाही का जायजा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा। उड़ीसा से निकलकर अब यास तूफान आगे निकल चुका है, लेकिन पीछे छोड़ गया है तबाही की तस्वीरें। इसी तबाही का जायजा लिया मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। राज्य में तूफान से प्रभावित लोगों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल के तूफान में 4 लोगों की जान गई है और हजारों जगहों पर घर और पेड़ गिरे हैं। पेड़ों को काटकर आवाजाही व्यवस्थित करने की तैयारी स्थानीय लेवल पर प्रशासन कर रहा है। NDRF की टीम भी प्रभावित लोगों को मदद करने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब साइक्लोन यास निकल चुका है झारखंड और बिहार की ओर। झारखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित और अस्त व्यस्त है। मुंबई में प्री मानसून की बारिश, मुंबई के कई इलाकों को बारिश ने भिगोया। अगले हफ्ते केरल में आएगा मानसून। सुबह सुबह बारिश की बूंदों के साथ शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है।
टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मुंबई के वडाला इलाके की हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में हुई आज ये बारिश प्री मानसून बारिश है। 31 मई को मानसून के केरल में पहुंचने की संभावना है। जून के दूसरे हफ्ते में मानसून मुंबई में पहुंच सकता है। हालांकि उत्तर भारत में यास तूफान की वजह से मानसून में देरी की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली यूपी सहित उत्तर भारत में मानसून इस बार जुलाई के दूसरे हफ्ते तक आ पाएगा। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका मानसून की बारिश से निपटने के लिए हर तैयारी का दावा कर रही है, लेकिन हर बार क्या तस्वीर होती है यह किसी से छिपी नहीं है। जूनियर पहलवान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुशील कुमार नहीं कर रहा जांच में सहयोग। दिल्ली पुलिस ने लिया साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट का सहारा। पहलवान सुशील कुमार दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस सुशील से हत्या को लेकर सवाल पूछ रही है, लेकिन सुशील एक प्रोफेशनल अपराधी की तरह नपे तुले जवाब देकर पुलिस को भ्रमित कर रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुशील से जवाब निकलवाने के लिए मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट का सहारा लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सुशील मानसिक रूप से काफी मजबूत है और वो अपनी कहानी बनाकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अब सुशील और गिरफ्तार किए गए बाकी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करने वाली है। दिल्ली पुलिस ने परसों नीरज बवाना और काला असोदा गैंग से जुड़े चार बदमाशों को गिरफ्तार किया था। ये चारों पहलवान सागर की हत्या के वक्त स्टेडियम में मौजूद थे। 4 मई की रात सागर धनखड़ की हत्या हुई थी। रविवार को पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया और रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। सुशील कुमार की ओर से मीडिया ट्रायल रोकने की मांग कोर्ट से की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। इसी साल गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार करने वाली घटना घटी थी। 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले पर जो हिंसा हुई उसकी जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये तस्वीरें हर देशवासी के जहन में ताजा होगी। अब इस लाल किले कांड का असली मकसद सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि उग्र हो चुके किसान लाल किले को आंदोलन का अड्डा बनाना चाहते थे। 26 जनवरी को लाल किले में किसान सोची समझी साजिश के तहत दाखिल हुए थे और लाल किले पर कब्जा करके इसे आंदोलन का नया ठिकाना बनाना चाहते थे। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके को बेहद सोच समझकर चुना गया, जिसे देश और विदेश में सरकार की किरकिरी और शर्मिंदगी हो। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है कि लाल किले में तिरंगा झंडा उतारकर निशान साहब और किसान झंडा फहराने वाले आरोपियों को बड़ी रकम देने का वादा भी किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक हिंसा की साजिश साल 2020 के नवंबर और दिसंबर महीने में रची गई थी, जिसके लिए पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीदे गए। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर की खरीद फरोख्त का डेटा भी चार्जशीट में शामिल किया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की 30,000 अदालत में लाल किला हिंसा को लेकर चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दीप सिंह, इकबाल सिंह और मनिंदर मोनी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। शुक्रवार को अदालत चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। श्रीलंका के समंदर में जहाज पर लगी है भीषण आग। 7 दिन बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। भारत के साथ साथ अब यूरोप के देश भी इस आग को बुझाने में मदद के लिए आगे आए हैं। समंदर में धू धू कर जलते जहाज की ये तस्वीरें श्रीलंका के पास की है। भारत के हजीरा बंदरगाह से श्रीलंका के लिए निकले सिंगापुर के इस जहाज में 20 मई को आग लग गई थी। आग तब लगी जब जहाज कोलंबो के करीब पहुंच चुका था। जहाज में सवार सभी क्रू मेंबर को निकाल लिया गया है। इनमें से 5 भारतीय हैं। 2 को चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत के भेजे गए 2 जहाजों की मदद से आग बुझाने की कोशिशें कल शुरू हुई। जहाज पर केमिकल मौजूद है, इसीलिए आग बुझाने में खासी दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि जहाज पर लगे कंटेनर बड़ी संख्या में समंदर में भी गिर गए हैं। इससे समंदर में प्रदूषण फैलने का खतरा बढ़ गया है। श्रीलंकाई जहाज पर लगी आग को बुझाने के लिए अब यूरोपीय दमकल कर्मी भी आगे आए हैं। श्रीलंका के समंदर में जहाज पर लगी है भीषण आग। 7 दिन बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। भारत के साथ साथ अब यूरोप के देश भी इस आग को बुझाने में मदद के लिए आगे आए हैं। समंदर में धू धू कर जलते जहाज की ये तस्वीरें श्रीलंका के पास की है। भारत के हजीरा बंदरगाह से श्रीलंका के लिए निकले सिंगापुर के इस जहाज में 20 मई को आग लग गई थी। आग तब लगी जब जहाज कोलंबो के करीब पहुंच चुका था। जहाज में सवार सभी क्रू मेंबर को निकाल लिया गया है। इनमें से 5 भारतीय हैं। 2 को चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत के भेजे गए 2 जहाजों की मदद से आग बुझाने की कोशिशें कल शुरू हुई। जहाज पर केमिकल मौजूद है, इसीलिए आग बुझाने में खासी दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि जहाज पर लगे कंटेनर बड़ी संख्या में समंदर में भी गिर गए हैं। इससे समंदर में प्रदूषण फैलने का खतरा बढ़ गया है। श्रीलंकाई जहाज पर लगी आग को बुझाने के लिए अब यूरोपीय दमकल कर्मी भी आगे आए हैं।
3 नावों और 4 जहाजों के जरिए इस आग को बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं।